शार्दुल के कमरे में भूख को बर्दाश्त करने में असफल रही शेजा ने एक भयानक भूल कर दी। वो इस नियम को भूल गई कि नौकरों को मालिकों के लिए बनाए गए खाने को छूने का अधिकार नहीं होता था। ये काम केवल घर का खानसामा या रसोई के कर्मचारी ही कर सकते थे। शेजा को किसी नौकर को जगाकर रसोई के कर्मचारियों को जगाना चाहिए था ताकि वो उसे खाना दे सके। बजाय इसके शेजा ने खुद ही खाना परोस लेने की गुस्ताखी कर डाली थी। अपने लिए खाना लाने की आस में शेजा बेचारी शाह हवेली के रसोई में गई थी, लेकिन वहां वो सोनी शाह और उसकी मां मलका जान के हत्थे चढ़ गई थी। मलका जान और सोनी शाह दोनों मां बेटी वैसे भी अपने अभिमान और नौकरों के प्रति अपने दुर्व्यवहार के लिए कुख्यात थी, और शेजा से सोनी की जलन और नफरत तो वैसे भी साफ नजर आती थी। मालिकों का खाना छूने के अपराध के लिए शेजा को एक ग्लास भर के गाढ़ा खून दे दिया गया। उसे आदेश दिया गया कि उसे ये खून पीना था, वरना उसके साथ और भी कुछ बहुत बुरा किया जा सकता था। अवंतिका मालकिन वहीं मौजूद थी, लेकिन इससे पहले कि वो शेजा की मदद के लिए कुछ कर पाती, मलका जान ने सही पासे फेंकते हुए उसे उसके बचपन की याद दिला दी थी। अवंतिका की सौतेली मां होने के नाते मलका जान अपने पति से ये तो जान चुकी थी कि किस तरह अवंतिका की मां जब जिंदा थी तो अवंतिका को एक बहादुर लड़की बनाना चाहती थी, लेकिन अवंतिका के दिल में हमेशा मजलूमों के लिए दया बनी रही, और यही वजह थी कि उसकी मां उससे नाराज रहती थी। महजबीन शाह चाहती थी कि उसकी बेटी किसी का खून करते समय अपने मन में दूसरी बार कोई विचार न लाए। बेधड़क बिना किसी झिझक के वो जिसे चाहे जब चाहे खत्म कर दे। शार्दुल में अपनी मां का ये गुण आ गया था, लेकिन अवंतिका चाहकर भी ऐसा नहीं कर पाती थी, और इस बात का उसे मन ही मन अफसोस भी था कि वो अपनी मां की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर सकी। मलका जान ने मौका देखकर उसकी इसी दुखती रग को छेड़ दिया था, और वो अपने बचपन के बुरे अनुभवों की यादों में खो गई थी। कुछ साल पहले जब अवंतिका ने अपने प्रेमी के साथ नजदीकियां बढ़ाने पर एक नौकरानी को मार डाला था, तब उसके मन में पहला विचार यही आया था कि अगर उसकी मां जिंदा होती तो शायद उस पर नाज करती। बचपन से लेकर अपनी मां के जिंदा रहने तक हर पल अवंतिका अपनी मां को प्रभावित करने की कोशिश करती रही थी, लेकिन क्योंकि वो दयालु थी और लोगों को आसानी से मार नहीं पाती थी, इस वजह से वो अपनी मां का स्नेह धीरे धीरे खोती गई थी। शार्दुल शाह न केवल दिखने में अपनी मां के जैसा था, बल्कि उसने अपनी मां के बहुत से गुणों को भी अपने अंदर भली प्रकार से आत्मसात किया था। शायद यही वजह थी कि महजबीन अपने बेटे से बहुत ज्यादा प्यार करती थी और अपनी बेटी अवंतिका से थोड़ा नाराज रहती थी। महजबीन शाह के मरने के बाद जब उनके सामान को हवेली से निकालने की बात हुई थी, तब शार्दुल ने खुलकर इस बात का विरोध किया था और अपनी मां के सारे सामान को ऊपर परछत्ती में रखवा लिया था। लेकिन अवंतिका और उसकी मां के बीच के रिश्ते जितने ज्यादा उलझे हुए थे और जितनी वो अपनी मां की वजह से एक तरह की हीन भावना अपने दिल में पाले, हर लम्हा उसके साथ जी रही थी। शायद यही एक कारण रहा होगा कि अवंतिका ने अपनी मां के किसी भी सामान को रखने का प्रयास नहीं किया था, जिसे शार्दुल ने बचाया था। शुरुआत में तो अवंतिका ने परछत्ती में जाने से भी मना कर दिया था। उसके लिए अपने छोटे भाई को यह समझाना बहुत मुश्किल था कि किस तरह से उसके और उसकी मां के बीच में दूरी आ गई थी, जिसे पाटना बहुत मुश्किल था। अवंतिका नहीं जानती थी कि अगर उसकी मां आज भी जीवित होती तो उन्हें अवंतिका पर गर्व होता, या आज भी अवंतिका उन्हें खुश करने की कोशिशों में ही लगी होती। अवंतिका अच्छे से जानती थी कि ये सोचना भी गलत है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिल में इस बात का सुकून था और वो थोड़ी खुश थी कि अब उसकी मां जिंदा नहीं थी। हालांकि ये बात भी सच है कि उसकी मां अपने बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, और अवंतिका भी अपनी मां से बेहद मोहब्बत करती थी, लेकिन उसे शार्दुल की तुलना में अपनी मां से बहुत कम स्नेह और तारीफ मिलती थी। मां शार्दुल की बलैया लेती नहीं थकती थी। वो बिल्कुल वैसा बच्चा था जैसे बच्चे की महजबीन शाह को चाह रही होगी, जबकि अवंतिका एक शांत रहने वाली दयालु लड़की थी जिसे खून खराबे से दहशत होती थी। आज की तारीख में अगर बात की जाए तो अवंतिका को इत्मीनान था कि जो जैसे हुआ वो ठीक था। अवंतिका अच्छे से जानती थी
कि अगर उसकी माँ महजबीन शाह आज जिंदा होती तो वो अवंतिका के भाई शार्दुल का उसकी गुलाम लड़की के साथ भरता हुआ रिश्ता कभी मंजूर नहीं करती और सारी गाज बेचारी शिजा पर गिरती। इस ख्याल ने अवंतिका के मन में एक सवाल पैदा कर दिया कि अगर उसकी माँ जिंदा होती और वो इस रिश्ते के खिलाफ होती तो क्या तब भी शार्दुल इस लड़की के साथ इतनी ही मोहब्बत करता। अवंतिका जानती थी कि उसकी माँ का एक शब्द शार्दुल को इस लड़की से दूर करने के लिए काफी होता और माँ के कहने पर शायद वो खुद इस लड़की के दो टुकड़े कर इसे खत्म कर देता। अवंतिका ने शिजा की तरफ देखा। अपनी माँ का वास्ता दिए जाने पर अवंतिका को ये सारी पुरानी बातें याद आ गई थी और यही कारण था कि जब उसकी सौतेली माँ मलका जान ने अवंतिका से ये कहा कि उस गुलाम लड़की शिजा को बचाकर वो अपनी माँ को निराश करने वाला काम कर रही है तो अवंतिका चाहकर भी खून का ग्लास थामे खड़ी बेचारी लड़की की रक्षा के लिए अपने कदम आगे नहीं बढ़ा सकी। दुर्भाग्य से खून के रिश्ते इतने गहरे होते हैं कि आप चाहकर भी उन्हें छिटक कर खुद से दूर नहीं कर सकते। परिवार के साथ संबंध इतने गहरे होते हैं कि इनसे अलग होना मुश्किल होता है। कुछ लोग दिल से अपने परिवार से जुड़े होते हैं तो बाकी लोग रिश्तों का पालन करने की जिम्मेदारी मानकर ही सही लेकिन इन रिश्तों से बंधे रहते हैं। दूसरी ओर शिजा ने महसूस किया कि उसका दिल बहुत जोर से धड़क रहा था और उसे लग रहा था कि किसी भी पल उसे उल्टी आ सकती है क्योंकि उसने अपने मुंह के पास जो कांच का गिलास उठाया हुआ था वो खून से लबालब भरा था। उसके हाथ पूरी तरह से ठंडे हो गए थे। वो अपनी त्वचा पर अपने रोंगटे खड़े हुए महसूस कर सकती थी। तभी उसने एक कमाल की बात देखी। जो ग्लास शिजा ने अपने हाथों में थाम रखा था उसके अंदर के गाढ़े लाल रंग के खून का रंग अचानक बदलना शुरू हो गया। धीरे धीरे ग्लास के अंदर घूमता हुआ वो खून अचानक पानी में बदल गया, साफ शफाक पानी। शिजा ने ग्लास को अपनी नाक के पास लाकर सूंघा तो इसमें कोई गंध नहीं थी, यानी ये खून स्पष्ट रूप से पानी में बदल चुका था। वो ग्लास छोटा होने की वजह से शिजा की हथेलियों से ढका हुआ था। तीनों पिशाचिनी महिलाएं उत्सुकता से शिजा को घूर रही थी। शिजा ने एक सहमी नजर उन पर डाली और घबराने का अभिनय करते हुए वो अपने कांपते हुए हाथों से इस ग्लास को अपने होठों तक लाई और एक सांस में उसे पी गई। उसने तब तक ग्लास को अपने होठों से नहीं हटाया जब तक वो पूरी तरह से खाली नहीं हो गया। रसोई में खड़ी तीनों महिलाओं को यह लगा कि शिजा ने उस ग्लास में भरा खून पिया है, जबकि वो जानती थी कि उसने जो अपने हलक के नीचे उतारा था वो पानी था, शुद्ध पानी। अभी अभी उसके हाथों में पकड़े हुए ग्लास में क्या चमत्कार हुआ था शिजा को समझ नहीं आया और उसकी धड़कन बहुत जोर से चलने लगी। उसके माथे पर पसीना आ गया। उसे घूर घूर कर देख रही पिशाचनियों ने सोचा कि शायद खून पीने की वजह से उसकी ऐसी हालत हुई है। उन्हें लगा कि किसी भी पल शिजा रसोई के फर्श पर उल्टी कर सकती है। इसे विश्वसनीय बनाने के लिए शिजा ने ऐसा अभिनय किया जैसे वो अब किसी भी क्षण उल्टी करने ही वाली हो। मलका जान ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा, अब जो तुम कर चुकी हो उसके बारे में ज्यादा मत सोचो और सुनो, यहां उल्टी मत करना। अपनी कर्कश आवाज में शिजा को यह हिदायत देकर मलका जान दो कदम पीछे खिसक गई। रसोई वो जगह थी जहां उनका खाना बनता था और उसे इस जगह पर एक गुलाम की उल्टी की बदबू नहीं आनी चाहिए थी। वहीं दूसरी ओर सोहनी शिजा की दुर्दशा के दृश्य का भरपूर आनंद ले रही थी। उसने शिजा का मजाक उड़ाते हुए उससे कहा, क्यों गुलाम लड़की, तो क्या अब तुम्हारा पेट भर गया है? मुझे उम्मीद है कि अब तुम भरपूर खाना खा चुकी हो, है ना? या अभी और खाना चाहोगी? क्या एक और बार हो जाए? शिजा ने घबराने का अभिनय करते हुए अपना सिर नामे हिला दिया, ये सोचकर कि आज के लिए शिजा को जितना परेशान करना था कर चुके हैं। मलका जान और सोहनी शाह इत्मीनान से रसोई छोड़कर अपने कमरों में चले गए। अवंतिका ने शिजा को कुछ देर तक देखा, फिर वो धीरे धीरे अपने कमरे की तरफ चल पड़ी। अवंतिका हैरान भी थी और परेशान भी। शिजा अपने दिल की धड़कन सामान्य लय पर वापस जाने तक कुछ और पलों तक वहीं खड़ी रही। फिर उसने उस कांच के गिलास को गौर से देखा और फिर उसे सूंघने के लिए अपनी नाक के पास ले आई।
ये गंधहीन था। अब जब रसोई में कोई और नहीं था और वो अकेली थी, तो वो फिर से सोचने लगी कि आखिर हुआ क्या था। उसे याद आया कि उसके द्वारा खाने को छूने की सजा के तौर पर उसे एक ग्लास खून पीने के लिए दिया गया था। शिजा ने उस ग्लास को अपने हाथ में लिया था और उसे उबकाई आने लगी थी और उसे लगा था कि उसे उल्टी हो जाएगी। किसी तरह हिम्मत जुटाकर वो खून को घूरती रही थी और हिम्मत जुटा रही थी कि उसे पी सके, क्योंकि उसे बचाने वाले शार्दुल मालिक हवेली में मौजूद नहीं थे और अवंतिका मालकिन को न जाने क्या हो गया था। शिजा को याद आया कि उसके हाथों में थामे गए उस ग्लास में वो तरल गोल गोल घूमा था और उसके बाद अचानक धीरे धीरे उसका रंग बदलने लगा था और फिर वो खून से पानी में बदल गया था। ये बात तो बिल्कुल असंभव है कि सोहनी शाह या मलका शाह ने उससे किसी तरह का मजाक किया हो, क्योंकि आज की गलती के बाद वो दोनों बहुत ज्यादा गुस्से में थी और उन्होंने शिजा को दंड देने के लिए ही उसे खून दिया था। तो ये तो तय था कि उस तरल के बदलने में कोई पिशाची करामात तो बिल्कुल नहीं थी। उसे याद आया कि एक बार शार्दुल के कमरे में रखी औषधियों को भी उसने छुआ था। काली चुड़ैलों द्वारा बनाई गई वो घातक औषधि शिजा के छूने पर पानी में बदल गई थी और ये सब उसने बिना कोई खास कोशिश किए ही कर डाला था। मतलब उसने सामान्य रूप से तरल को अपने हाथों में पकड़ रखा था और वो धीरे धीरे खुद ही बदल गया था। दोनों बार ऐसा ही हुआ था। शार्दुल जब उसे लेकर परिषद की प्रयोगशाला में मिराज के पास गया था तो मिराज आश्चर्यचकित हो गया था और उसके बाद ही शिजा के एक सफेद चुड़ैल होने की बात सामने आई थी। शिजा ने मन ही मन सोचा कि पहली बार उसने जो चीज पिशाचों के लिए जहर थी उसे पानी में बदल दिया था और आज उसने खून को पानी में बदल दिया था। कोई ना कोई कमाल की शक्ति तो थी। लेकिन तभी शिजा ने खुद से कहा कि उसकी किस्मत भी तो कमाल थी। अचानक शिजा के होंठों पर एक चौड़ी मुस्कान आ गई और उसका मुरझाया चेहरा खिल उठा। वो खुद से बोली, तो शिजा, किस्मत के बारे में तुम्हारा क्या कहना है? एक बार पीछे पलटकर शिजा ने खाने को देखा। भूख तो अभी भी बहुत तेज लगी हुई थी, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद अब भोजन के दूसरे कटोरे को छूना एक अच्छा विचार नहीं था। उसने खुद को समझाया और तय किया कि उसे शार्दुल के वापस आने तक या कम से कम कल सुबह तक इंतजार करना चाहिए, जब हवेली के सभी नौकरों को खाना परोसा जाएगा। शिजा ने एक बड़ा ग्लास भरकर पानी पिया और ग्लास को खून वाले ग्लास के साथ इस पानी वाले ग्लास को साफ करके नौकरों के बर्तनों की तरफ रख दिया। पानी पी लेने के बाद उसे अपना पेट कम खाली महसूस हो रहा था। वो चुपचाप सीढ़ियां चढ़कर शार्दुल के कमरे में वापस चली गई। उसने दरवाजा बंद किया और बिस्तर पर बैठ गई। शार्दुल कब आएगा इस उम्मीद में दरवाजे की ओर देखते हुए वो इंतजार कर रही थी। बैठे हुए चोट के बारे में भूलकर अचानक सामने की तरफ झुकी और दर्द से कराह उठी। उसका जख्म फिर से खींच गया था। वो बिस्तर से उठी और अपनी पीठ एकदम सीधी करके खड़ी हो गई। कुछ ही देर में दरवाजे पर दस्तक हुई। शिजा को लगा कि देर से ही सही, लेकिन शार्दुल आ गया था। वो खुश थी कि अब उसे खाना भी मिलेगा और उसके जख्म पर मरहम भी लग सकेगा। वो शार्दुल को आज खून के पानी में बदलने वाली बात भी बता सकेगी और सबसे बढ़कर मालिक से पूछेगी कि वो अब तक कहां उलझे रहे। शिजा के छूने पर आखिर क्या बदलाव आया खून के ग्लास में?